Hey guys, this is my YouTube channel. My name is Sangram. अरे हाँ हाँ जानते हैं तेरा नाम संग्राम। शुरू कर बिना कोई बकचोदी के। Okay guys, तो शुरू किया जाक। फिर से लेके आया आप लोगों के लिए रियल फ्लावर्स अरेंजमेंट। आज का अरेंजमेंट का नाम है पेस्टल प्लांटर बास्केट। तो पहले व्हाइट बास्केट का ऊपर हम लगा लेंगे प्लास्टिक स्लोपिन, उसका ऊपर फोम लगा देंगे, फिर हम लोग एक एक करके फ्लावर्स लगाएंगे। अब देखते रहिए कैसे हम लगाते हैं। पहले हम पत्ती लगा लेंगे, इसको कमीनी पत्ती बोलते हैं। गलती से कमीना पत्ती मत बोल देना, कमीनी पत्ती बोलते हैं इसे। कोई कोई जगह में इसे मुरैया पत्ती भी कहा जाता है। अभी इसको सर्कल करके पूरा लगा लेंगे। लग गया है, अब अरेंजमेंट तैयार कुछ कर लिया था मैंने। आपको बता देते हैं कैसे किया था। तो एक कैंपस को काट के ऐसे लगा दिया था, उसी का बाजू में लिली को काट के उसको लगा दिया था। फिर साइड से ऑर्किड को हैंग करना है, फिर हाइड्रेंजर को खड़ा करना है लिली का बाजू में, फिर रोजेस को लगाना है। सब गुच्छे गुच्छे में लगाना है एक ही जगह में। जैसे रोजेस पिंक रोजेस हो गया एक ही जगह में, पीच रोजेस हो गया एक ही जगह में, हाइड्रेंजर हो गया, मतलब मिक्स नहीं करना है, आपको गुच्छे गुच्छे में लगाना है। आप देख सकते हो। व्हाइट डेजी लगाएंगे रोजेस से थोड़ा सा नीचे, फिर पिंक बटन लगाएंगे रोजेस से थोड़ा सा ऊपर। सब गुच्छे गुच्छे में लगेगा, आप देख सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। फिर लिली को हम हाइड्रेंजर का बाजू में डाउन करके लगाएंगे। फिर पीच रोजेस का बाजू में और दो स्टेम लिली लगाएंगे। फिर ब्लू कलर का हम लोग टेटिस लगाएंगे। अब देख सकते हैं कैसे लगा रहे हैं। फिर हम लोग लगाएंगे ब्लू कलर का एस्टोमा, ठीक लिली का थोड़ा सा ऊपर। फिर पिच रोजेस का बाजू में हम लोग लगाएंगे पिंक कलर का बटन। फिर हम लोग लगाएंगे एपिडेस्टर पत्ती को फोल्ड करके पिच रोजेस का बाजू में और उधर हाइड्रेंजर का बाजू में। इसके बाद और अच्छा दिखने के लिए हम लोग लगाएंगे गेहूं का ड्राई स्टिक, बीच में यूकेलिप्टस का पत्ती लगाने मत भूलना। मैं लगा चुका हूं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं बीच बीच में जहां पर गैप दिखेगा वहां पर आप लगा सकते हैं यूकेलिप्टस की पत्ती। फिर आपको दिखाएंगे रिबन की कैसे वो बनता है। पहले ऐसा हाथ में सर्कल कर लेंगे राउंड राउंड करके, फिर इसको फोल्ड करके कैंची से काट देंगे। थोड़ा सा एंड में जॉइंट रखना, पूरा मत काट देना। फिर इसको अच्छे से बांध देंगे। अब देख सकते हैं हम बांध लिए हैं। फिर इसको अंदर से एक एक करके निकाल लेंगे तो फ्लावर्स जैसा बन जाएगा। फिर हम बास्केट का ऊपर पहले एक रिबन को काट के उसमें ग्लू गन से चिपका देंगे सर्कल करके। फिर जहां पर जॉइंट करेंगे उसे, उसी का ऊपर फ्रंट साइड में
जो फ्लावर्स का बो बनाए थे हम रिबन का, वो चिपका देंगे ग्लू गन की मदद से। देखिए अब कम्प्लीटली हो चुके हैं, आपको दिखाते हैं कम्प्लीटली कैसे लगते हैं। देखिए कंप्लीट हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं कैसे लग रहा है। रुको रुको रुको, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी बजा देना, क्योंकि मेरा नया नया वीडियोस आता रहता है। आपको सबसे पहले मिलने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना।